बहुपद का हम लोग देखते हैं, बहुपद का कुछ नियम पहले देखते हैं, उसके बाद इसका ऐच्छिक देखते हैं। बहुपद में जैसे क्या होता है, क्या बताया था तुम लोगों को बहुपद का, पहले बता दिया था तुम लोगों को बहुपद क्या होता है, याद है ना बहुपद क्या होता है, क्या होता है जी बहुपद? बहुपद क्या होता है, बहुपद बहुपद होता है ऐसा बीजी व्यंजक होता है, ऐसा देखो डिफिनेशन को याद करके रखोगे, ऐसा बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक व्यंजक जिसमें चर की घात कितनी होती है, जिसमें चर की घात एक पूर्णांक होता है, एक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है ना, एक धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। देखो ये याद करके तुम लोग रखोगे, ये याद होना चाहिए। अब जैसे मान लो क्या लिखा गया है, जैसे मान लो लिखा गया एफ एक्स बराबर लिखा गया है एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर, तो तुम बताओ ये बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है? अरे नहीं बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि चर जब ये चर ऊपर जाएगा तो इसकी घात क्या हो जाएगी, माइनस एक्स प्लस कितना हो जाएगा, स्क्वायर माइनस दो। यहाँ पे देखो जो चर है, चर की घात कैसी हो गई, ऋणात्मक हो गई, नहीं ये क्या नहीं है बहुपद नहीं है। एफ एक्स बराबर लिखा गया है कैडी में एक्स प्लस तीन लिखा, नहीं ये बहुपद है नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है? इसमें जब कैडी हम लोग हटाएंगे तो ये क्या जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा तीन, ये क्या होगा, इसमें घात कितनी हो गई, घात क्या हो गया, पूर्णांक नहीं है, इसका भी घात क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है, ये भी क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा ना। और मान लो एफ एक्स बराबर लिखा गया है, एफ एक्स बराबर है कैडी तीन एक्स प्लस दो लिखा है, ये बहुपद है कि नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि देखो चर पर ये जो कैडी लगा हुआ चर पे नहीं लगा हुआ है ना, अचर पे लगा हुआ है, तो यहाँ की इसकी घात कितनी हो जाएगी, एक हो जाएगी, ये पूर्णांक है, ये क्या होगा, बहुपद होगा। तो बहुपद हम लोग समझ जाएंगे, बहुपद क्या होता है, ऐसा बीजी व्यंजक होता है जिसमें चर की घात क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है ना, ये हो जाएगा बहुपद के प्रकार। बहुपद का प्रकार क्या होता है, बहुपद के प्रकार देखो, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, बहुपद बहु प्रकार के होते हैं ना, पहला हो जाएगा क्या, एक घातीय बहुपद ना, एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद, बहुपद या इसको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद कहते हैं ना बहुपद। इसमें देखो एक घातीय बहुपद में क्या हो जाएगा, एक घातीय बहुपद जैसे मान लो एफ एक्स बराबर लिखा गया है तीन एक्स प्लस दो, तीन एक्स प्लस दो क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद होगा। और एफ एक्स बराबर खाली अगर मान लो लिखा है एक्स लिखा है, ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, रैखिक बहुपद होगा या एक घातीय बहुपद हो जाएगा, पहला हो जाएगा। दूसरा होता है कौन सा, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद हो जाएगा ना, द्विघाती बहुपद हो जाएगा। द्विघाती बहुपद क्या होगा, जिसमें चर की घात अधिकतम, नहीं जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी, दो, चर की अधिकतम घात कितनी होगी, दो। तो जैसे मान लो एफ एक्स बराबर लिख दिया गया है थ्री एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस वन, क्या हो जाएगा, ये द्विघाती बहुपद होगा। तीसरा क्या होता है, त्रिघाती बहुपद होता है, त्रि घातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद क्या होता है, एफ एक्स बराबर मान लो लिख दिया गया है तीन एक्स क्यूब प्लस दो, तो इसमें देखो जो मैक्सिमम घात होगी, चर की जो मैक्सिमम घात होगी कितनी होगी, तीन होगी, ये क्या कहलाएगा, त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। एक है चतुर्थ घाती बहुपद, ये भी आपको उसमें ऐच्छिक में लगाना है, चार घात वाला भी लगाना है ना। देखो चार घातीय बहुपद या चतुर्थ घातीय बहुपद इसको बोलते हैं, चतुर्थ चतुर्थ घातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद क्या हो जाएगा, जिसमें चर की घात कितनी होगी, एक्स पावर कितना हो जाएगा, चार प्लस तीन एक्स स्क्वायर प्लस दो, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी, चार होगी, नहीं उसे हम चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। चलो ठीक है, ये सब बताया था, तो अब आगे हम लोग देखते हैं। इस तरह से हो जाएगा,
देखिए इसमें हम लोग को क्या करना है, फिर देखना है ऐच्छिक के लिए हमको लगाना है। ऐच्छिक के लिए पहले लगाएंगे ऐच्छिक ना, इसका ऐच्छिक देखते हैं हम, बहुपद का ऐच्छिक, बहुपद, बहुपद का ऐच्छिक, ऐच्छिक हो जाएगा ऐच्छिक ना, बहुपद का ऐच्छिक हम लोग कैसे देखेंगे। ऐच्छिक में जैसे मान लो अगर क्या होता है, द्विघाती बहुपद होता है, द्विघाती बहुपद अगर होता है, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद में क्या नियम बताए थे आपको, द्विघाती बहुपद में नियम बताया गया था कि इसके देखो पहले बात तो इसके शून्य कितने होंगे, अल्फा बीटा नहीं, इसके शून्य। मान लो द्विघाती बहुपद एफ एक्स अगर लिखा गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ना, इसके जितना घात होगा उतने इसमें क्या होंगे, शून्य होंगे, इसके शून्य उतने होंगे, शून्य बोलते हैं मूल बोलते हैं या हल बोलते हैं ना, इसके दो शून्य होंगे, कौन कौन होगा, अल्फा होगा और बीटा, इसके दो शून्य अल्फा और बीटा हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे, इनका योगफल कितना हो जाएगा, शून्यकों का योग बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा बराबर कितना होता है सी बाई ए। इसमें नियम में बताया था तुम लोगों को, क्या बताया था कि अगर मान लो यदि शून्यकों का, यदि शून्यक शून्यक अल्फा बीटा हो, अल्फा बीटा हो, अल्फा बीटा हो तो बहुपद कैसे बनेगा, बहुपद, बहुपद कैसे बनेगा, बहुपद हो जाएगा एफ एक्स बराबर बताया था क्या होता है, बहुपद कैसे बनेगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, और प्लस कितना होगा अल्फा बीटा। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं या एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा है ना, शून्यकों का योग और इनटू कितना हो जाएगा एक्स प्लस अल्फा बीटा, क्या लिखेंगे शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा हो जाएगा। बात समझ में आया, तो इस पे देखो एग्जांपल में बताया था तुम लोगों को, एग्जांपल क्या होता है, जैसे मान लो लिखा गया है किसी बहुपद के शून्य, किसी बहुपद के शून्य, किसी बहुपद के शून्य अगर मान लो अल्फा, मान लो माइनस तीन और दो है, ये यानी कि अल्फा का मान कितना लिखा है माइनस तीन और बीटा का मान कितना लिखा है दो, तो क्या कहा जाएगा, बहुपद बनाओ, बहुपद लिखो, बहुपद लिखो। बात समझ में आया तुम लोगों को, क्या दिया ये बहुपद के शून्य दिया गया है, शून्य दिया गया है, हमको क्या बनाना है, बहुपद बनाना है। तो जैसे मान लो, जैसे मान लो लिखा ये अल्फा का मान लिखा बीटा का मान लिखा है, तो एफ एक्स और कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा है ना, अल्फा जगह कितना लिखोगे माइनस तीन, बीटा जगह कितना लिखोगे दो, और इंटू एक्स और प्लस एक्स टू में अल्फा, अल्फा माने माइनस तीन और बीटा माने दो, तो बराबर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और तीन में से दो जाएगा माइनस एक, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तीन प्लस एक्स हो जाएगा, एक को लिखते नहीं है और तीन गुना छः माइनस छः, ये बहुपद बनेगा। तो मैं कैसे आया, अल्फा का मान पता है बीटा का मान पता है, ऐसे आएगा। एक तरह का उदाहरण और दिया जाएगा, एग्जांपल करके देखेंगे। देखो यदि क्या हो, यदि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कितना दिया, मान लो योग अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखा चार, शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा मान लो लिखा है गुणा अल्फा बीटा बराबर लिखा है, मान लो लिखा है माइनस छः लिखा है, तब आपसे कहा जाएगा बहुपद बनाओ, आएगा ये बहुपद, बहुपद बनाओ, बहुपद बनाओ, तो एक्स एफ एक्स बराबर लिखेंगे हम लोग, एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, सूत्र को लिख दो अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मान कितना चार, चार एक्स और अल्फा बीटा मान कितना है माइनस छः, ये बहुपद बनेगा ना। समझ में आया, अब देखो, देखो अब इसमें क्या उदाहरण आप लोग लगाओ, जो टू लगाओ एग्जांपल लगाओ, एग्जांपल में क्या करेंगे, लिखा है यदि किसी, यदि किसी बहुपद, यदि किसी बहुपद के शून्य,
के शून्यक या किसी बहुपद के शून्यक शून्यक माइनस दो तथा तीन है, माइनस दो तथा तीन नहीं पांच लिखो, पांच है तो बहुपद बनाओ, तो बहुपद बनाओ, बहुपद बनाओ पहला हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लिखोगे यदि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, मान लो योग लिखा गया है माइनस तीन बटे दो तथा शून्यकों का गुणा एक बटे दो है तो बहुपद बनाओ, बहुपद बताओ बहुपद बताइए इसमें कितना होगा, हो गया ले ना रहने दे, हाँ सही है तुम्हारा, देखा जाए पास करने की कोशिश करो। दो कहाँ गया, दो गायब कर दिए क्या, नहीं ऐसे ही रहने देना चाहिए, तब इसका एक रूल बताएंगे तब देखा जाएगा। सुना नहीं हुआ जी, हो गया देखो अब इस तरह से इस सवाल को लगाना रहेगा ना, हो गया फास्ट करो, थोड़ा फास्ट करो, अब ये सवाल आप लगाइएगा ना, उसके बाद देखते हैं ये तो क्या था, द्विघाती बहुपद था ना जी, ये कौन सा था, द्विघाती बहुपद है ना, बायनोमियल इसको बोलते हैं, बायनोमियल पॉलीनोमियल बोलते हैं, बायनोमियल बोलते हैं द्विघाती बहुपद। अब हम लोग देखते हैं त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद देखो कैसे करेंगे, ये द्विघाती था त्रिघाती देखते हैं, त्रिघाती बहुपद जैसे मान लो लिखा गया है त्रिघाती बहुपद में, त्रिघाती बहुपद ऐसे रहेगा, खाई वाला रहेगा, तरह वाला रहेगा ना, त्रिघाती है बहुपद छोटा मानता रहेगा बड़ा मानता है, त्रिघाती बहुपद सही है होगा कुछ, चलो ठीक है त्रिघाती बहुपद रहते नीचे लिख रहे हैं ना, बताते रहो नहीं, त्रिघाती बहुपद जाएगा ना। देखो अब त्रिघाती बहुपद क्या होगा, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी होगी, तीन होगी नहीं, जिसमें चर की अधिकतम घात तीन होती है, जैसे कोई उदाहरण बोलो, चलो बोलो तुम बोलो, जयदीप बोलो, त्रिघाती बहुपद होगा। त्रिघाती बहुपद का कहा जाएगा व्यापक समीकरण क्या होता है, त्रिघाती बहुपद का व्यापक समीकरण, त्रिघाती बहुपद का, बहुपद का व्यापक समीकरण पूछा जाएगा, व्यापक समीकरण जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा, बोर्ड के पेपर में त्रिघाती नहीं दिया जाएगा, नहीं ये त्रिघाती नहीं है, चतुर्घाती नहीं, जो ऐच्छिक है तुम्हारा ऐच्छिक में से सवाल नहीं आएगा, उसमें लिखा है ना परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, ये खाली किस लिए है, जिससे आप लोग आगे जब जाओगे, आगे के क्लासों में जाओगे तो वहां पर इसका यूज बहुत ज्यादा होगा। तो त्रिघाती बहुपद में क्या हो जाएगा, इसका व्यापक समीकरण लिखना ना, ये तो होता है सामान्य समीकरण, लोकल समीकरण इसका होता है ना, इसका व्यापक समीकरण, व्यापक माने क्या होता है, जिसे मास्टर चाबी एक होता है नहीं, मास्टर चाबी सुने हो ना, मास्टर की उससे क्या होता है सब ताला खुलता है, एक का चाबी रहेगा उससे बहुत ज्यादा मतलब लगभग सभी ताले खुल जाएंगे ना, वो मास्टर की होता है, ऐसे ही व्यापक समीकरण होता है मास्टर समीकरण होता है। तो व्यापक समीकरण क्या हो जाएगा, व्यापक समीकरण को यहाँ लिख रहे हैं, ये हो जाएगा ax² + bx² + cx + d, ये इसका क्या हो जाएगा व्यापक समीकरण कहलाता है ना। अब इसमें देखो क्या हो जाएगा, त्रिघाती का व्यापक समीकरण ये हो गया, अब इसमें क्या करते हैं, जैसे इसमें क्या शून्य होंगे, तीन शून्य होंगे ना, तीन शून्य होंगे क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा, तीन शून्य होंगे
तीन शून्य होंगे। अब इसमें जैसे उसमें निकला था तीन शून्य को, दो शून्य को का योग निकला था और दो शून्य को का गुणा, ऐसे इसमें क्या हो जाएगा, तीन शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। समझ में आया, दो दो शून्यकों के गुणा का योग, दो शून्यकों के गुणन का योग। इसको लिखेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, बी आया था ना, यहाँ सी बाई ए हो जाएगा। अब शून्यकों का गुणा क्या होता है, शून्यकों का गुणा अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई ए। देखो ऊपर क्या होगा, बी सी डी आएगा, नहीं बी बी सी डी आएगा, सब में भाग कितने से होगा, ए से। ऊपर एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार क्या हो जाएगा माइनस। अब इसका एग्जांपल जैसे हम लोग देखते हैं, मान लो लिखा है, लिखा गया है 3x³ मान लो लिखा है fx बराबर 3x³ माइनस 2x² माइनस 4x प्लस 1। मान लो ये लिखा गया है, तुमसे कहा जाए कि शून्यकों का योग बताओ, दो दो शून्यकों के गुणन का योग बताओ और शून्यकों का गुणन बताओ, आ जाएगा। एक हम बता रहे हैं, भाई देखो क्या हो जाएगा, शून्यकों का योग आपसे यही कहा जाएगा, शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा धन गामा बराबर। अब यहाँ पे पहले एक चीज निकाल लो, ए का मान कितना होगा 3, बी का मान कितना होगा माइनस 2 ना, सी का मान कितना होगा माइनस 4, सी बराबर हो जाएगा माइनस 4, डी बराबर एक होगा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, गामा बराबर माइनस बी बाई कितना होगा ए, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। बी का मान कितना माइनस और माइनस 2 बटे ए, ए का मान कितना 3, कितना हो जाएगा बराबर 2 बटे 3। अब दो दो शून्यकों के गुणन का योग ना, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर कितना होगा सी बाई ए होता है। सूत्र याद करके रखोगे एक बार, सी बाई ए नहीं तो याद करके रखोगे कि ऊपर बी तो क्या आएगा, फिर सी आएगा, कितना हो जाएगा माइनस 4/3। शून्यकों का गुणा अल्फा बीटा गामा बराबर कितना हो जाएगा डी माइनस डी बाई ए। तो डी का मान कितना, बी का मान कितना 1/3 ना, ऐसे आ जाएगा। ऐसा अब एक चीज और दिया जाएगा, मान लो एग्जाम्पल एक रूल और देखेंगे हम लोग, यदि क्या हो, यदि किसी बहुपद के शून्यक, यदि किसी बहुपद के शून्यक क्या हो, अल्फा बीटा गामा हो, तो बहुपद बताओ। तो बहुपद जैसे उसमें था नहीं, अल्फा बीटा था, बहुपद बताना था, तो बहुपद बताओ। समझ में आया, तो इसमें अल्फा बीटा गामा दिया गया, बहुपद बताना है, कैसे आएगा fx बराबर हो जाएगा, पहले हो जाएगा x³ ना माइनस अल्फा धन बीटा धन गामा x² हो जाएगा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा एक्स और प्लस कितना माइनस कितना, देखो एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी आया था एक बार माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आया था ना, और कितना हो जाएगा अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा। समझ में आया, माइनस अल्फा बीटा गामा, ये समीकरण बनेगा तुम्हारा। तो जैसे हम इसका एग्जाम्पल देखा जाए, एग्जाम्पल देखते हैं, ये खाली आपको देखो कहाँ पे है, ऐच्छिक में यूज होगा ये ना। एग्जाम्पल देखते हैं, यदि किसी बहुपद के शून्यक माइनस 2, 3, 1 है तो बहुपद बताओ। देखो बहुपद कैसे बताना है, fx वाला लिख देंगे यहाँ पे, fx बराबर हो जाएगा
कितना आया क्यू माइनस अल्फा धन बीटा धन गामा एक होता है ना, तो माइनस दो प्लस तीन प्लस एक एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इन दोनों का गुणा माइनस दो तीन छः माइनस छः फिर तीन एकम देखो बीटा गामा ना इनका इनका गुणा तीन एकम तीन फिर एक दुआ दुई माइनस दुई होगा ना अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स और माइनस कितना हो जाएगा अल्फा बीटा गामा दोनों तीनों का गुणा हो जाएगा माइनस छः दिख रहा ना वो प्लस कितना हो जाएगा छः हो जाएगा माइनस क्योंकि होता है ना माइनस अल्फा बीटा गामा होता है दो तीन छः ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा एक्स क्यूब और तीन एक चार में से दो घटा दो तीन चार में से घटाओगे कितना आएगा जब तीन चार होगा चार में से दो घटाएंगे कितना आएगा दो आएगा आया माइनस पहले से माइनस दो या स्क्वायर और छः दो आठ आठ में तीन घटाया माइनस पाँच या अब प्लस कितना होगा छः किस तरह से बहुपद निकल जाएगा समझ में आया इस तरह से करोगे अब चलो तुम लोग लगाओगे ना इसको नोट भी करोगे चलिए फिर ये क्या नाम होता है वीडियो लंबा हो जा रहा है अब इसका जो अभ्यास है जो ऐच्छिक है आपका ऐच्छिक अगले वीडियो में बताएंगे तब तक इस